13/10 T1। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाया, राइट? हाँ यस सर, डी ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ। हाँ ठीक है, 13/10 राइट, 13/10 कह रहे हो तुम लोग, राइट? ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है ना, मैंने ये पेपर बनाया कैसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिर्फ रिट्रेसेस इसका पाथ मतलब 180 डिग्री पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। हाँ रिट्रेस वाली बात मेन है। वन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री इज सिल्वर्ड, ठीक है। अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री रिट्रेसेस इट्स पाथ। मतलब आर रिट्रेस कर गई क्या? जीरो है। तो इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे। हाँ मैं मेरे दिमाग में एक बेसिक बात ये आ रही है, क्या एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया है? यस सर। कितने डिग्री पे लाइट डाली है? 60। प्रिज्म एंगल कितना है? 30। रिट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। हाँ क्योंकि जो रेज है वो सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल हो रही है क्या? यस सर। तो अगर परपेंडिकुलर फॉल होगी तो आर टू में कितना बोलूंगा? जीरो। जीरो। यस सर। आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल होता है? ए ए के। आर टू हमारा जीरो है और ए कितना हमारा? थर्टी। इसने इसलो क्या कहता है? म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यस सर। यहाँ पे आई हमारा कितना है? 60। और आर वन कितना है? 30। तो म्यू कितना है हमारा? रूट थ्री। यस रूट थ्री। बात है? यस। इसको हम उससे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू। नहीं उससे नहीं सॉल्व होगा, करके देखूं। इससे आंसर तो आ गया, हो रहा है सॉल्व? मतलब मैंने तो ए को 60 डिग्री अच्छा तो आया प्रिज्म, ठीक है ठीक है। मैंने 60 डिग्री मिनिमम डेविएशन कहां है ये बताओ, यहां मिनिमम डेविएशन कहां है? हां ठीक है, तो मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म को 60 ले लिया था, ठीक है ठीक है, गलती ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है। ठीक है आगे बढ़े। यस। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल। मोमेंटम कंजर्वेशन। बढ़िया, कैसे आइडिया लगा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल दो में डीके हो रहा है।
हाँ तो ये एक्सप्लोजन की तरह है। डिके का मतलब मुझे क्या समझ में आता है, मोमेंटम कंजर्वेशन राइट। कहीं पे भी डिके कोलिजन एक्सप्लोजन आता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, एम वन का या एम टू का, या इक्वल होंगे? इक्वल होंगे। बढ़िया, इक्वल एंड अपोजिट राइट। यस सर। जब भी कहीं पर एक्सप्लोजन आता है तो बेसिक बात मोमेंटम कंजर्वेशन सोचनी है। यस सर। तो अगर एक ऑब्जेक्ट एम है रेस्ट पे इनिशियली और ब्रेक हो गया, एम वन जा रहा है वी वन से, एम टू जा रहा है वी टू से, तो क्या इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होंगे? यस सर। इनिशियली जीरो था, फाइनली क्या लिखूंगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। यहाँ माने समझ में आ रहा है क्यों लगा रहा हूँ? यस सर। अगर एक राइट पे जाएगा तो दूसरा लेफ्ट में, क्या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, पी वन माइनस पी टू? यस ठीक बात है। P1, P2. इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में पी वन और पी टू क्या है, इक्वल है क्या? Yes. और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर एक राइट में जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट में जाएगा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, h by h by b. तो क्या p1 p2 इक्वल है? यस सर। लैम्डा इक्वल होंगे या नहीं होंगे? यस सर। बताओ भाई तुम लोग। इसका मैं ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना था, बस समझने वाला क्वेश्चन था। इलेवन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन कुछ अलग से नहीं दिए हुए? यस पोटेंशियल आर पॉइंट ए बी एंड सी। ए पे तो जीरो ही होगा, बस ये समझना है VA VB VC में क्या रिलेशन होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन राइट। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ऐसा ले ले। तो पॉइंट ए हमारा कहाँ पे, ओरिजिन पे है क्या? यस सर। क्वेश्चन बोला था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन रीजन, ए इज ओरिजिन, बी इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस and C is point on y axis. तो क्या A और C का potential same होगा? क्या हमने कभी ऐसा पढ़ा E equal to minus dV by dx? Yes sir. Minus sign क्या बताता है? Electric field move from
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है? यस सर। तो क्या ए और सी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी? यस सर। तो मुझे तो लगता है ए और सी पोटेंशियल सेम होगा, और बी पे ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। बी पे मुझे लगता है कम होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ज्यादा हो रहा होगा या कम? जिसमें जा रही है उस तरह। हाँ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। देखो मैंने डायग्राम में शो करा क्या, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, राइट? यस। क्या ए और सी का इक्वल होगा? हाँ। और बी का कम हो जाएगा। बी इक्वल टू बी सी, लेस देन बी बी या ग्रेटर देन बी बी? ग्रेटर देन बी बी। तो मैं दो ऑप्शन बना दिए, इक्वल टू बी सी। ए से लग रहा है, बी से लग रहा है? बी। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करें। Yes, sir. एक चीज बताना, किरचॉफ लगाते हुए इंडक्टर में हम क्या लिखते हैं? माइक के पास बोलो। था मैं कह रहा सर्किट में यहाँ पे हम किरचॉफ लगाते समय एल को इंडक्टर में हम क्या लिखते हैं? किरचॉफ नहीं लगाएंगे। ये एसी है या डीसी है? एसी। तो फिर किरचॉफ से हमें क्यों आ रहा है? ये तो मुझे एलसीआर लग रहा है। अच्छा पहले ये बताओ, एलसीआर में कोई फॉर्मूला होता है नेट वोल्टेज का? यस सर। अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, सही है? यस सर। अब ये बताओ कहीं रेजोनेंस तो नहीं है? हाँ। कैसे पहचाना? क्योंकि VL इक्वल टू VC है और ये सीरीज में, क्योंकि VL और VC इक्वल है क्या? यस सर। सही बात है। तो अगर मुझसे कोई LCR की बात करता है, LCR सीरीज की, मेरे दिमाग में फॉर्मूला आता है V क्या होता है, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, राइट? यस। ठीक। अब ये बताओ क्वेश्चन में वी एल और वी सी दोनों 100 थे क्या? यस सर। और V कितना था हमारा? 200। यस सर। क्या मेरे पास V R आ गया? Yes, तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, बट इससे बात बनेगी रेजिस्टेंस। सर एक क्वेश्चन देगा, करंट तो फिर इसमें एक ही चलेगा ना? क्या चीज? करंट तो फिर 200। अब मेरे दिमाग में आ रहा है रेजोनेंस है, तो क्या मैं ओमेगा का कुछ यूज कर सकता हूँ?
हाँ क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जैसे हमारे पास वी आर आ गया राइट, तो वैसे वी एल इक्वल टू आई एक्स एल कह सकता हूँ क्या? यस सर। वी एल कितना था मेरा? टू नहीं सॉरी वी एल था हंड्रेड, सही बात है? यस सर। बट मुझे लगता है इंडक्टर भी नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है? नहीं फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, लेकिन बट हमारे पास कैपेसिटेंस भी नहीं है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक्सएल या एक्सएल नहीं लग सकता। ओमेगा होता है 1 बाय रूट एल्स, हाँ 2 पाई एफ, बट इससे कुछ लग नहीं आगे बनेगा। VL और VC इक्वल है तो कुछ इंफॉर्मेशन तो नहीं मिस हुई इस क्वेश्चन में, एक बार चेक करें नेट पे शायद मिल जाएगी क्वेश्चन, हो सकता कुछ डायग्राम वगैरह में मिस हो गया हूँ। चलो मैं इस क्वेश्चन में बाद दोबारा चेक कर दूंगा, ठीक है? इसमें मुझे लगता कुछ मिस हो गई इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर अभी 12 में मैंने क्या बोला है, गड़बड़ है राइट, कुछ मिस हो गया लग रहा है ऐसा। 13 देखते हैं, क्या डायपोल की बात कर रहे हैं? यस सर। ठीक है ट्राई करो। सर डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? डायपोल मोमेंट होता है क्यू इनटू टू ए, क्यू इनटू टू ए और ए मार डिस्टेंस क्यू चार, ठीक है सर। और यहाँ पे साइन कंसीडर होता है? किस चीज में साइन? मतलब अगर चार्ज नेगेटिव है तो फिर हम यहाँ पे क्यू को नेगेटिव डालेंगे? नहीं 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 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है सर, मुझे इसका लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही होगी हर जगह। मैं तो को आईडिया देता हूँ, जो हमारा डायपोल रखा था कहाँ रखा हुआ था? एक्स एक्सिस माइनस डी पे, और डी माइनस डी कॉमा जीरो, और दूसरा पॉइंट क्या था? और यहाँ पर प्लस क्यू रखा था और यहाँ पर माइनस क्यू, सही? तो डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है? माइनस के पी बाई आर क्यू। यस सर।
सही है। तो माइनस एन क्या बताता है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है पी के। बढ़िया, तो क्या हमारे इस डायग्राम में डायपोल मोमेंट माइनस आई कैप पर है? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? पॉजिटिव के प्लस आई कैप, और सेम भी होगी हर पॉइंट पे क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है। ये बात लॉजिकल लगी? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ क्या पॉइंट ए बी और सी दिख रहा है? यस सर। पॉइंट ए एक्सियल है क्या? हाँ। तो एक्सियल पे फील्ड क्या होती है? 2kp/2 kp/r³ लार्ज डिस्टेंस पे। ये प्लस साइन क्या बताता है? कि अलोंग पी है, अलोंग डायपोल मोमेंट। तो अगर डायपोल मोमेंट लेफ्ट में जा रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट में होगी? यस सर। सी पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? लेफ्ट। लेफ्ट में। और बी में किस डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट। प्लस क्यू से माइनस क्यू जाएगी ना? यस सर। तो अगर ध्यान दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डाइपोल एक्स एक्सिस पे सेम है क्या? यस सर। बट बिटवीन डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू जा रही है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन वर्क हैज गलत है। क्योंकि नेटवर्क डन जीरो हो जाएगा। हाँ, नेटवर्क डन तो जीरो होगा। फोर्थ ऑप्शन देखो ध्यान से। डायपोल मोमेंट क्यू इंटू टू बी। नहीं, अलोंग पॉजिटिव एक्स होगा या नेगेटिव एक्स होगा? नेगेटिव। सी हो जाएगा इसका। सी हो जाएगा। हालांकि डी ऑप्शन बहुत क्लोज था, अगर ध्यान दो से। यस। क्वेश्चन नंबर 14 तो इजी लग रहा है मुझे। फॉरवर्ड और रिवर्स पहचानो। ऊपर वाला फॉरवर्ड है या रिवर्स है? नेगेटिव 150 से और पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव से तो फॉरवर्ड होगा। 150 ओम के साथ वाला फॉरवर्ड है और 50 ओम के साथ वाला रिवर्स। ठीक है ना? तब बीच वाला सर्किट तो बेकार हो गया, सिर्फ करंट बाहर वाले पे चलेगी। अब सॉल्व कर दो कितना आएगा। सर 6/250।
वो तो नहीं आएगा मुझे लग रहा है। जानबूझ के मैंने ऐसा बनाया है क्या ऑप्शन? ये सीरीज में नहीं है। पहले ये बताओ जो डायोड है उसमें कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है? है। तो रेजिस्टेंस दिया 50 ओम है तो टोटल रेजिस्टेंस 250 है या 300 है? 300। ठीक है, अब वी इक्वल टू आर लगाओ, ओम्स लो। इक्वल टू आई आर का सारा सा कर दो। बैटरी कितने वोल्ट की थी? 6.002। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा? 300। 300 क्या आई 1/50 आ गया? 1/50 हाँ, तो 0.02 एम्पीयर आना चाहिए। 0.02 बी ऑप्शन लग रहा है मुझे। यस सर। 15th, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी वाले के जैसा है। क्या लाइट आगे फॉल हो रही है? यस सर। हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। I think TIR होगा तो ये एरिया, मतलब जितना एरिया ये कवर करता है। 2√3। हमें मिरर की लेंथ दी हुई ना 2√3। यस सर। और मिरर के बीच का गैप कितना दिया है? 0.2। ठीक है, जो हमारी लाइट आ रही है कितने एंगल पे फॉल हो रही है? 30। क्या रिफ्लेक्ट होगी 30 पर? डायग्राम में तुम लोगों को एक्स और डी समझ में आ रहा है मैं किसको बोल रहा हूँ? यस सर। टेन 30 होगा एक्स बाई डी। तो क्या मेरे पास x की वैल्यू आ गई d/√3? हाँ। जो हमारा मिरर है उसकी लेंथ कितनी है? l 2√3। तो क्या l को मैं n into x कह सकता हूँ? यस सर। n टाइम्स रिफ्लेक्शन मान लिया मैंने ऐसे। ठीक है, यस सर। x की वैल्यू क्या है? d/√3। L हमारा शायद 2√3 था, राइट? यस सर। और डी 0.2 था? यस। डेसिमल हटा देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एम कितना आ जाएगा? 30। 30। अच्छा क्वेश्चन है या नहीं? यस सर।
आइडिया लग रहा है क्या करना है? सर पहले तो करंट निकाल लेंगे। क्या मैंने पोटेंशियोमीटर के फोर स्टेप सिखाए? यस सर। अगर वो फोर स्टेप्स आते होंगे फिर तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मैं आइडिया देता हूँ क्या थे वो फोर स्टेप्स। इसी क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा सेल है उस सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट, इसको मैं ड्राइवर सेल कहता हूँ, राइट? Yes, और हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। जो हमारा वायर ए बी ए, इसका रेजिस्टेंस ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में 9 ओम है, ठीक है? Yes, sir. और लेंथ हमारी 100 सेंटीमीटर है। यह 100 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है? एल ए बी वायर, ठीक है? Yes, sir. ठीक। तो फर्स्ट स्टेप में हमेशा क्या निकालता हूँ? करंट। तो मैं लिखता हूँ E इक्वल टू आई आर ए बी प्लस, अगर कोई रेजिस्टेंस आर एस लगा है तब, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, जीरो मान लेता हूँ, प्लस स्मॉल आर डी। डी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ड्राइवर सेल, राइट? यस सर। आई डी कितना आ गया? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इसका था फर्स्ट स्टेप में आईडी। अब सेकंड स्टेप क्या है? वी इक्वल टू आई आर, कौन सा आई? एबी वाला जो ड्राइवर सेल से आ रहा है, और कौन सा आर? आर एबी वाला, एबी वायर का। अब स्टेप थ्री में मैं लिखता हूँ वी ए बी इक्वल टू के इंटू एल ए बी, ठीक है ना? एल ए बी मेरा कितना है? 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर कह दू। के मेरा कितना आ गया? 9 वोल्ट पर मीटर, ठीक है? यहाँ तक स्टेप क्लियर हुआ ना? यस सर। अब हमने नीचे एक सेल लगा दिया है और 5 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका? 2 ओम। फाइव वोल्ट एंड 2 ओम। तो गैल्वेनोमीटर है, उसको क्या हम ए से ले जा करके धीमे धीमे बी की तरफ लेके जाएंगे? ए से बी की तरफ, और हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए? जीरो। उसको हम क्या बोलते हैं? नल पॉइंट, राइट? यस। ठीक है, तो स्टेप फोर हमारा क्या होता है? वी टी इक्वल टू के एल। जो ये वी टी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये लोअर सेल के लिए होता है, ठीक है? यस सर। तो अभी लोअर सेल में कोई करंट है या नहीं है? नहीं नहीं। तो इस वी को क्या मैं ई कह सकता हूँ? क्योंकि V का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। अब I तो है ही नहीं, जीरो है। तो अगर I को जीरो डाल दोगे तो E बन गया। E कितना वोल्ट है हमारा क्वेश्चन में लोअर सेल के लिए? 5 वोल्ट। K कितना था? 9। तो क्या लेंथ आ गई मेरी? 5/9। यस सर। 5/9 मीटर। तो सेंटीमीटर में क्या बोलूंगा? 500/9 means 100 कितना आ जाएगा? 55.5 के आसपास आना चाहिए ना? यस सर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है?
55.5 है, सेकंड ऑप्शन है देखो। लॉजिकल लग रहा है? यस सर। तो इस पेपर का एक मेन एम क्या है जो मैं करवा रहा हूँ, उसका एम समझ में आ रहा है? तो मैं क्यों करवा रहा हूँ ऐसा, हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाए, मतलब रिफ्रेश हो जाए माइंड में, जैसे पोटेंशियोमीटर टच करे हुए काफी टाइम हो गया होगा। यस सर। एक बार रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई देखो ये टॉपिक हमारा वीक पड़ रहा है क्या, तो बैठ के थोड़ा कर लेना चाहिए। ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ इससे भी थोड़ा रिफ्रेश हो रहा होगा माइंड में। यस सर। तो मैं बहुत ही मेन बात फिजिक्स में क्या है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आइडिया होना चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट पढ़ के जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। ठीक बात बोली? यस सर। इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, पढ़ के सारा जाना पड़ता है। hmm. चलो क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ आइडिया लग रहा है क्या करने वाला हूँ मैं? एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एट हाईएस्ट पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी इज, ठीक है एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम बाई आर। पॉइंट बी पे काइनेटिक जीरो डाल दूं? यस। और पोटेंशियल क्या हो जाएगी, माइनस जी एम बाई आर प्लस एच। अब क्वेश्चन में एच निकालने को बोला है या पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोला है? ठीक है तो इसको P फाइनल लिख दूं सीधा? यस सर। ठीक है V थ्रो हमारा कितना था, V स्केप बाय 2 बाय 2 सही है।